सुप्रभात बच्चों, आइए आज आपको हम गाय पे निबंध लिखना सिखाते हैं। ठीक है, तो हमने क्रमबद्ध बांट दिए हैं ताकि आपको छोटी छोटी पंक्तियों में हम लिखेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी समझने में, फिर आपको देखने में भी पता चलेगा कि हम किस प्रकार से लिखे हैं। यदि हम वो एक अनुच्छेद की तरह हम लिखते हैं, जैसे बड़े क्लास में लिखा, तो उस तरह से आपको याद करने में पढ़ने में कठिनाई होती, इसीलिए हम आपको क्रमबद्ध नंबर के अनुसार बांट दिए। देखिएगा हम किस प्रकार से लिखेंगे, आप इसी प्रकार से अपने CW और HW दोनों कॉपी में लिखेंगे ताकि और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। लिखने से पहले यदि आप CW में लिखें, यहाँ CW और वहाँ डेट देंगे, HW में लिखना है तो आप HW और डेट देंगे। ठीक है, आइए आप देखिए कि हम किस प्रकार से, तो हर यहाँ पे ये गाय का चित्र हम बना दिए। गाय एक पालतू जानवर है। इसके चार पैर, चार पैर, दो आँख, दो कान और एक इसे, इसके चार पैर, दो आँख, दो कान और एक पूंछ होता है और एक इसके चार पैर, दो आँख, दो कान और एक पूंछ होती है, पूंछ होती है। इस प्रकार से इसे यहाँ पे लिख लेंगे, इसे चार पैर, दो आँख, दो कान और एक पूंछ होती है। ठीक है, आप देख लिए, यहाँ पे लिखेंगे या लाल, काली और भूरी रंगों की होती है, भूरे रंगों की होती, भूरे रंगों की होती है। ठीक है, देख लिए आप, इससे पहले लिख दें एक पालतू जानवर, इसे चार पैर, दो आँख, दो कान और एक पूंछ होती है, या लाल, काली और भूरे रंगों की होती है, या घास, भूसा और चोकर खाती है और चोकर खाती है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, या दूध देती है। गाय पालतू जानवर, इसे चार पैर, दो आँख, दो कान और एक पूंछ होती है, या लाल, काली और भूरे रंगों की होती है, या घास, भूसा और चोकर खाती है, या दूध देती है। इसके दूध से अनेक तरह के मिठाइयाँ बनती हैं। देखिए, इसके दूध से अनेक तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, अनेक तरह की मिठाइयाँ बनती हैं,
मलती है गाय का दूध। यहाँ पे आप देखेंगे हम लिख रहे हैं गाय का दूध का दूध उपयोगी होता है गाय का दूध उपयोगी होता है। हम सभी गाय को गौ माता भी कहते हैं। हम सभी गाय को गौ माता भी कहते हैं। गाय की पूजा भी की जाती है। गाय हमारे लिए ये उपयोगी पशु है। उपयोगी पशु है। दिख रहा है आपको हम किस प्रकार से लिखे। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, हम जो लिखे हैं यहाँ पे इस तरह से गाय के फोटो के नीचे यहाँ पे लिखे फिर यहाँ पे लिखे, आप ये जी छोटा सा फोटो बनाना चाहते हैं चित्र तो बनाएंगे, नहीं चाहते नहीं बनाएंगे। गाय लिख के इस लाइन को और आप सीधे लिखेंगे अपने कॉपी में, इस तरह से नहीं लिखेंगे। हम स्टैम्प पट पर इस तरह से लिखें कॉपी में नहीं, हम जो आपको फोटो भेजेंगे इसका आपके व्हाट्सएप पर जैसे हम लिखे हुए रहेंगे उसी तरह से आप अपने CW और SW कॉपी में लिखेंगे और इसे हिज्जे के साथ उच्चारण के करेंगे। तो एक बार देख लेंगे हम किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। गौ म्या का गा य गा एक एक प म्या का पाल त दुगु का तू पालतू ज म्या का जान व र जानवर हमें एकर है गाय एक पालतू जानवर है। इस तरह से आप उच्चारण करेंगे आपको पढ़ना आ जाएगा। फिर से आप पढ़ना आ गया आप लिख लिए बस ठीक है। और आप इसको सुंदर से लिखेंगे, गंदे अक्षरों में इसे नहीं लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। धन्यवाद।